नमस्कार, आप देख रहे हैं राय न्यूज़ और मैं आपके साथ दीप रमोला। राय न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो से आपको जनहित के मुद्दे उठाते रहता है और आज इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला लखीमपुर खीरी के निघासन के नकटाहा गांव में है और यहां पर लगातार जो जनहित के जो क्षेत्रीय जो समस्याएं बनी रहती हैं, आइए यहां के स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि यहां की मूल जो समस्याएं बनी रहती हैं वो किस प्रकार की समस्याएं हैं और क्या इन लोगों को यहां से दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको एक जानकारी और खास जानकारी देना चाहूँगा, ये निघासन जो था पहले ग्राम पंचायत में था और पहली बार ये नगर पंचायत में शामिल हुआ है और पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत के जो चुनाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ काफ़ी स्थानीय लोग स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि पहली बार जो चुनाव होने जा रहा है यहाँ पर नगर पंचायत का, तो किस तरीके से वो इस चुनाव को देखते हैं और किसे अपना प्रत्याशी यहाँ पे बनाना चाहेंगे और किस कैंडिडेट को ये यहाँ से जिता के नगर पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। तो मेरे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनकी जन समस्याएँ बनी रहती है और किस कैंडिडेट को ये अपना यहाँ से प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। जी भैया, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा मुन्ना लाल जी, निघासन का नकटका गांव है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे किस चीज़ की रही है? यहाँ समस्या हर चीज़ है, जैसे रोड देख लो, चाकल ना है, नाली ना है ठीक, लाइट ना है, सब चीज़ें हैं समस्या। इससे पहले ये ग्राम पंचायत में रहा है और नगर पंचायत में ये गांव आ चुका है, ये जो क्षेत्र है नगर पंचायत में आ गया पूरे निघासन में ये, और यहाँ पे प्रथम चुनाव होना है नगर पंचायत में, तो किस प्रत्याशी को आप देखते हैं जो आपके क्षेत्र का लगातार विकास कार्य करवाएगा? अभी का कोई पता ना की कर दी जी का समझ में ही होगा दीपा। यहाँ पे भी कई है, बद्री प्रसाद मौर्य जी भी है मैदान में, देवेंद्र जी भी चुनाव मैदान में है और भी प्रत्याशी ऐसे हैं यहाँ पर, तो क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको कि आपकी जो समस्याएं बनी हुई हैं उनसे निजात कौन दिलाएगा आपको? अरे समस्या का जब जीत ली चला जी, समस्या यहाँ का देखत कोई ना देखत, वो देखत चले, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं और वादे करके जाते हैं लेकिन इनकी जो समस्या जो आज भी है जो कि त्यों बनी हुई है। और भी हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बाबू जी, आपका नाम? राम कुमार मन्ना जी। बाबू जी, यहाँ पे जो आपका मूल वो जो जन समस्याएं बनी रहती हैं, अब तक पहला चुनाव होने जा रहा है यहाँ पे नगर पंचायत का, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? कोई ना, जो जीत ले चला जाते हैं तक देखते हैं ना जाओ कि कोई मरा है, कोई जिया है, कोई के पर कौन समस्या है, तो कुछ वोट ले लेते चले जाते। इससे पूर्व भी यहाँ पे 2022 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, भाजपा विधायक भी रहे हैं यहाँ पे, तो क्या उनका यहाँ पे दौरा रहता है या नहीं रहता चुनाव का? वही है दिखाया ना वो थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थानीय जो जनता है वो यहाँ पे काफ़ी नाराज़ है, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, जो विधायक रहे हैं या जो पूर्व में यहाँ पे प्रधान रहे हैं, उनसे काफ़ी खासा नाराज़ रहे हैं। और भी युवा साथी हमारे साथ हैं यहाँ पे, युवाओं से भी जानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है और देश का भविष्य जो है युवाओं के हाथ में है। तो भैया, क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। पांडे जी, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं पहली बार यहाँ पे और नगर पंचायत चुनाव में कई यहाँ पे जो अपने ताल ठोक रहे हैं प्रत्याशी, तो क्या किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं? सही हो रहा है चुनाव। किसे अपना समर्थन देने जा रहे हैं इस बार? अपना समर्थन देवेंद्र दौआ को देंगे, देवेंद्र दौआ। तो देवेंद्र जी, क्या लगातार यहाँ जो क्षेत्र में भ्रमण रहता है या जन समस्याओं के मुद्दे या जो आप लोग यहाँ पे जो मूलभूत जो समस्याएं बनी रहती हैं उनके निवारण के लिए आते हैं या क्या रहता है उनका? आते हैं, सबकी मतलब कि उगरते हैं समस्या, हल भी करते हैं सबकी समस्या। आप एक युवा हैं और क्षेत्र में कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं बनी रहती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे किस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं? अच्छा हो रहा सब कुछ, अब मतलब कि उनकी सरकार आएगी तो और भी अच्छा अच्छा करेंगे काम आगे के लिए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये देवेंद्र कुमार जी जो हैं यहाँ पे एक समाजसेवी हैं और भाजपा के नेता भी हैं और लगातार क्षेत्र में उनका दौरा रहता है यहाँ पे, जो स्थानीय युवा है जो उनका कहना है कि यहाँ पे क्षेत्र में लगातार उनका दौरा रहता है। और भी हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में प्रथम नगर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और क्या समस्याएँ यहाँ पर बनी हुई हैं और किस तरीके से वो चाहेंगे कि जो इनका जनप्रतिनिधि यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष जो बनेगा, चेयरमैन जो बनेगा, वो किस तरीके से यहाँ की समस्याओं का समाधान करेगा। जी बाबू जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मनमोहन लाल। बाबू जी, लगातार क्षेत्र में जन समस्या है आपके लोग ही बनी, जैसे यहाँ पे नाले की समस्या है, निकासी की जो समस्या है, रोजगार से संबंधित है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन जो है यहाँ पे समस्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रही है? भाई साहब, यहाँ करीब 130 गाय रहें 40, जिसमें 100 गाय जो है 130 गाय देवेंद्र कुमार पकड़वाए के हैं, वहाँ गौशाला करवाए दिन मुंशीगढ़। तो ऐसा क्या गायों से क्या समस्या थी?
गाय की समस्या सारी फसल चल जाती रहे। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर योगी जी का जो योगी जी हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कहीं ना कहीं योगी जी ने भी बीच में गौकशी पे भी काफ़ी रोक लगाया था क्योंकि पूर्व में जो गाय में जो सड़क पे जो आवारा पशु जो घूमते थे कहीं ना कहीं उनको उनका कटान किया जाता था। पर यहीं योगी जी ने एक आदेश भी जारी किया था कि जो गौकशी करने वालों पर प्रतिबंध लगाया था, अगर कोई गौकशी करते हुए पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो ये क्षेत्र है यहाँ पे जो आवारा पशु थे वो कहीं ना कहीं खेतों में जो फसलें हैं उनको नष्ट कर देते थे और इनका कहना है कि जो देवेंद्र जी हैं यहाँ पे जो देवेंद्र चतुर्वेदी जो हैं उनके द्वारा जो आवारा पशु थे उनको गौशाला में उनको भेजा गया है जी। और क्या समस्या है आपके यहाँ? और कोई समस्या ना है, बस यही नाली है। प्रधान तीन मरतबा इसके पैसा निकाल चुके हैं, यह नाली की समस्या है। सही बात है। आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, अभी यहाँ पे एक नाली खुदाई का कार्य चल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो पूर्व में प्रधान रहे हैं तीन बार नाली का जो पैसा सरकारी पैसा जो आता है क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आता है उसको कहीं ना कहीं गबन कर दिया गया है। तीन बार जो पैसा आया है विकास कार्यों के लिए उनको यहाँ पे गबन कर दिया गया। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे उनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? आसाराम। आसाराम जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? समस्या यह है कि सर कोई अच्छा आवाज प्रत्याशी काम करे और हम लोगों के लिए तो यह है ठीक है। भैया देवेंद्र जी आए हैं, इनका आपकी बार देख लो सब लोग, बस यह निवेदन है। इससे समस्याएं तो बहुत हैं। इससे पूर्व भी अभी यहाँ पे बद्री प्रसाद मौर्या जी भी है मैदान में, चुनाव मैदान में दस साल रहे हैं तो उनके द्वारा क्या क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया? विकास हुआ मगर उस तरीके का विकास नहीं हुआ। हुआ वो विकास मगर उस तरीके का। तो क्या आप लोगों ने अपनी जो समस्याएं हैं उनके सामने रखी या नहीं रखी? रखी कह रहे हैं, आवत हैं, माने अब तो आवत हर प्रत्याशी आवत दूर दूर जब काम आवा, और वैसे कोई ना चुनाव मैदान में विकास अग्रवाल जो हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ताल ठोक रहे हैं, वहू अब आए हैं नए नए, देखो वही का ताल ठोक रहे हैं का कर दे। तो कहीं ना कहीं भाजपा से भी प्रत्याशी मैदान में है, सपा से है, बसपा से है, तो आप लोगों का समर्थन किसे है इस बार? हम लोग तो भाजपा के यहाँ समर्थन देंगे, कहीं ना कहीं जो भी पाएगा टिकट उसको समर्थन करेंगे भाजपा से, चाहे देवेंद्र देवेंद्र हो चाहे जो भी पा जाए। तो कहीं ना कहीं स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि यहाँ पे जो उनका वोट जो जाएगा वो भाजपा को जाएगा। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो क्षेत्र में किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं और किस तरीके से क्षेत्र के विकास कार्यों के लेके वो आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं नगर पंचायत के जो चेयरमैन या अध्यक्ष बनेंगे उनसे किस तरीके से वो यहाँ पे अपने क्षेत्र के विकास कार्य को कर बनाएंगे। जी भैया, क्या नाम है? हमारा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश जी, आपके नकटका गांव में सबसे बड़ी मूल जो समस्या है किस चीज़ की बनी रहती है? अरे समस्या सर यही नाली वालियों की समस्याएं ज़्यादा हैं। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या कहेंगे? रोजगार तो बेरोजगार लोग यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग। कहीं ना कहीं आपके इस क्षेत्र से कई युवा ऐसे हैं जो अपना प्रदेश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जी जी, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाहर, बहुत सारे लोग जा रहे हैं बेचारे। तो रोजगार की समस्याएं हैं ये क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोजगार की जो मूल समस्या है रोजगार की बनी हुई है। और हमारे साथ यहाँ पे एक बाबा जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग उम्र के हैं, काफ़ी पुराने हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बाबा जी, आपकी सबसे पहले आपकी उम्र जानना चाहेंगे। हैं? आपकी उम्र जानना चाहेंगे। हमार जी हमारे 85 हो यहाँ करीब हुई। तो बाबा जी 85 साल के हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ 85 साल का एक छोटा समय नहीं होता एक जीवन का, तो किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को देखा, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे क्षेत्र के विकास को देखा और किस तरीके से वो किस तरीके से हैं। जी बाबू जी, पहले आपका जो समय था उसमें और अब में क्या अंतर रहा? उसे समय बहुत बढ़िया समय है। क्या समय रहा? अब कुछ नहीं, अब सही नहीं है कुछ। हाँ बस सही है। तो यहाँ पे सबसे युवा है, यहाँ पे सारे युवा हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ठीक है, रोजगारी वाला तो भाई वो कुछ बनाई तब तो उमा बनी है। बाबा जी, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, पहली बार जो आपका ये निघासन है नगर पंचायत में आए, से पूर्व ग्राम पंचायत में रहा है, तो अभी नगर पंचायत में किसको आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसको आगे लाना चाहेंगे? हम तो देवेंद्र के यहाँ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाबा जी की उम्र जो है 85 साल की उम्र है बाबा जी की, और इनका कहना है कि जी हम देवेंद्र को सपोर्ट करेंगे, देवेंद्र के समर्थन में है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा गांव जो है भाजपा समर्थित है और यहाँ पे कहीं ना कहीं देवेंद्र जी को यहाँ पे अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए यहाँ पे सभी जो क्षेत्रवासी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख रहे थे राही न्यूज़, और राही न्यूज़ लगातार जनहित के मुद्दे ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते रहा है। और राही न्यूज़ पे दीप प्रमोला,